हेलो। हेलो। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग लाइव को शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके। सपोर्ट कीजिए दोस्तों, आप लोग सपोर्ट करते हैं। इतना इसीलिए मैं वीडियो बना पाती हूँ। आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए मायने रखती है, इसलिए आप लोग जितना ज़्यादा हो सके सपोर्ट कीजिए। इसके लिए आपको, आप सबको वेरी वेरी थैंक यू। हाय दोस्तों, दिल के जज्बात बड़े हो जाते जब मुसीबत में भाई खड़े हो जाते।
दोस्तों भाई भाई का रिश्ता खास होता है, अक्सर ये दिल के बहुत पास होता है। रामायण और महाभारत को देख लो दोस्तों, जब भाई भाई लड़ते हैं तो कुल का नाश होता है। दोस्तों अभी भाई बहन का त्यौहार चल रहा है ना, रक्षाबंधन। कुछ लोगों ने अपने भाई को राखी आज बांधी है, कुछ लोग कल बांधेंगे। भाई तेरे मेरे रिश्ते में मोहब्बत इतनी गहरी हो, जब जाने का वक्त मेरा आए, जब जाने का वक्त तेरा आए तो मोहब्बत मौत मेरी हो। वक्त के साथ भाई भाई के रिश्ते बदल जाते हैं, परिवर्तन आ जाता है। अगर प्यार से संभालो तो संभल जाता है। भाई के रिश्ते का सबसे खूबसूरत गहरा बस जैसे आज हो वैसे ही हमेशा रहना। वीडियो कॉल करना था ले। कल मैं कर लूँगा।
सख्त हाथों से भी छूट जाती हैं उंगलियां। रिश्ते ताकत से नहीं मोहब्बत से थामे जाते हैं। कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से, बस उन्हें खूबसूरती से निभाना। बहुत अजीब से हो गए हैं आजकल के रिश्ते, सब फुर्सत में पर वक्त किसी के पास नहीं। दोस्तों आप लोगों को मेरी बात लगती है अच्छी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, शेयर एंड लाइक। बनाना हो रिश्ता झूठे मतलबी से, अगर तारीफों के पुल बांधना सीखे और रिश्तों की सच्चाई देखनी हो तो बुरे वक्त का इंतजार कीजिए। दोस्तों हम सभी उपवास करते हैं, छोटका चादर हम लगा हाँ उग्रे रूपा से कल और शुभम भैया मोबाइल कौन मोबाइल है आपके पास तो सुतो ना भी ये आप की देखते उपवास करते हैं हम सभी। क्या चीज़ का उपवास करते हैं? अन्न का उपवास करते हैं। क्यों उपवास? हमेशा अन्न का ही क्यों? कभी कभी लोभ, लालच, चुगली, झूठ, काम, क्रोध और खूब विचारों का भी होना चाहिए ना, वो क्यों नहीं करते? अन्न का उपवास क्यों करते हैं फिर?
दोस्तों आपको हमेशा प्रयास करना चाहिए कि झूठ उस इंसान से कभी भी मत बोलिए जो आपके झूठ को भी सच मान लेते हैं। कलयुग नहीं साहब, मतलब ही युग चल रहा है। जब तक आप सामने वाले की मन की बात करते हैं तो अच्छे हैं, एक बार अपने मन की कर ली तो सभी अच्छाइयां बुराई में तब्दील हो जाती। याद रखना, हर कोई तुम्हें नहीं समझ सकता और तुम हर कोई को समझा भी नहीं सकते। बिना भाई के साथ के जब रावण हार सकता है तो आप क्या चीज है? भाई के साथ से श्री राम जीत सकते हैं तो आप किस घमंड में? सदा साथ रहिए अपने भाइयों के, कोशिश करें कि परिवार आपका कभी ना टूटे। अगर हो सके तो अपने परिवार के को बचाने के लिए झुक जाइए, पर अपने परिवार को कभी टूटने मत दीजिए। अपने परिवार को बचाने के लिए अगर आपको झुकना पड़े, एक बार नहीं 100 बार झुके, लेकिन परिवार को टूटने से बचाइए। कहने को तो सभी कहते हैं एकता में बल है, फिर भी आज हर आंगन में दीवार खड़ी हो जाती है। भाई भाई लड़ते हैं किस लिए? झूठी वादे तेरे, चाहे हो रहा है भीड़ में आपका सत्कार, अगर घर वाले नहीं वहां तो वो होगी आपकी हार।
अपनों को साथ पाकर मैं सच्चाई जान पाती हूँ। दुनिया से लड़कर अपनी मैं पहचान बना सकती हूँ। परिवार तो इनायत है भगवान की, जो किसी किसी पर है बरसते। अगर बरस जाए किसी इंसान पर तो जिंदगी उसकी फूलों सी महकती। मुसीबत में खड़ा जो साथ बंद दीवार होता है, हमारा हौसला हिम्मत वही परिवार होता है। कहाँ मतलबी दुनिया में लहू के रिश्ते होते हैं, कहाँ सबके नसीबों में लिखा ये प्यार होता है। अगर आप किसी को धोखा देने में कामयाब हो जाते हैं तो ये मत सोचे कि वो कितना बेवकूफ है, बल्कि ये सोचिए कि उसे आप पर कितना ज्यादा भरोसा था। क्या कहा आपने, मनोज सिंह, कोई नहीं चाहता परिवार टूटे, परिस्थिति सब करा देती। अच्छा, परिस्थिति तो किस परिस्थिति की बात कर रहे हैं आप मनोज सिंह? दोस्तों, परिवार तब टूटता है जब आप सलाह लेना पड़ोसियों से शुरू कर देते हैं। अगर सलाह आपको पड़ोसी दे कि ये करो वो करो ऐसा करो, तो आपका परिवार टूटना निश्चित है। अगर सलाह पड़ोसियों से लेंगे तो परिवार टूटेगा। अगर परिवार में कोई अनबन हो भी जाए तो आपस में बैठकर अगर बात किया जाए तो शायद सब कुछ नॉर्मल हो सकता है। लेकिन बात कौन करता है, पड़ोसियों से बात करते हैं। विश्वास की कमी प्यार कम कर देती जिंदगी में, फिर तुम्हारी चेहर भर देगी।
अपने साथी की बातों को सहना मुश्किल हो जाएगा, फिर एक ही घर में रहना मुश्किल हो जाएगा ना। एक बात बताऊं दोस्तों, जो इंसान दिन में सबको खुश रखता है, वही इंसान रातों में किसी के लिए हद से ज्यादा रोता है। प्यार और विश्वास कभी भी खोना मत, क्योंकि प्यार हर किसी से नहीं होता और विश्वास हर किसी पे नहीं होता। दोस्तों, विश्वास और प्रेम में एक समानता है, दोनों में से कोई भी जबरदस्ती पैदा नहीं किया जा सकता। विश्वास बड़े नादान हैं वो लोग जो इस दौर में भी वफा की उम्मीद करते हैं। यहाँ तो दुआ कबूल ना होने पर लोग भगवान को बदल देते हैं। तो बड़े नादान होते हैं वो लोग जो इस दौर में वफा की उम्मीद लगाए बैठे, दुआ अगर कबूल ना हो तो भगवान को बदल लेते। तो प्यार मोहब्बत क्यों नहीं बदल सकती? सब कुछ बदल सकता है। दोस्तों, यह चमत्कार केवल विश्वास ही कर सकता है, जो पत्थर को भी भगवान कर सकता है। दोस्तों, ना हमने ना आपने भगवान को देखा है क्या? नहीं,
फिर भी विश्वास है तो पत्थर को भी भगवान मानते हैं। एक पत्थर को भी विश्वास केवल भगवान बना सकता है। एक लड़की, एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, सब कुछ सहन कर सकती है अगर उसका हमसफ़र अच्छा हो। हमसफ़र समझने वाला हो, दोस्तों मेरे ख्याल से परिवार से बड़ा कोई धन नहीं। दोस्तों आप नारी को कमज़ोर कहते हैं, उन्हें अबला मानते हैं, उनका अपमान करते हैं, उन्हें कुछ भी कह देते हैं, जो मन में आता है सो कह देते हैं। पर दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिए, ईश्वर के बाद सबसे अधिक ऋणी आप स्त्री के। पहले तो स्वयं अपने जीवन के लिए, जिस माता ने आपको जन्म दिया है, और फिर इस जीवन को जीने योग्य बनाने के लिए। आपकी पत्नी सुजित कुमार, हेलो।
राकेश कुमार, हेलो। हाय। पिंटू कुमार, हाय। मनोज कुमार, हेलो। हाय मनोज जी। खुशियाँ मुझे इतनी मिलती हैं जैसे रोज कोई त्योहार, और जहाँ प्रेम की भाषा हो वहीं परिवार होता है। अपनों के चेहरे पर हर पल प्यारी सी मुस्कान चाहिए। और कुछ नहीं चाहिए खुदा से, बस अपनों के चेहरे पर हर पल मुस्कान चाहिए। जहाँ सूरज की किरणें हो वहीं प्रकाश होता है, और जहाँ प्रेम की भाषा हो वहीं परिवार होता है। एक अरसे से मुझको कहीं नजर नहीं आए। बच्चे जब से कमाने लगे कभी घर नहीं आए। मेरी हालत देखकर सोचता है वो परिंदा भी, अच्छा हुआ कि मेरे बच्चों के पर नहीं आए। दोस्तों एक पॉइंट है जिससे मैं बात करूँ टॉपिक से हटकर है। सबने पूछा बहू दहेज में क्या क्या लाई, किसी ने ये नहीं पूछा कि बहू क्या छोड़कर आई। ये सोचने वाली बात है। ये पॉइंट एक लड़की के लिए मायने रखती। जब कोई पूछता है दहेज में क्या क्या लाई हो, तो फिर उस लड़की को सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि ऐसा क्यों होता है समाज में। क्यों कोई ये नहीं देखता कि लड़की क्या क्या छोड़कर आई। बहुत दर्दनाक पॉइंट। जिसके पास परिवार का साथ है, पास उनके भगवान की सौगात है।
जब मुश्किलों में कोई काम ना आए, वो परिवार ही है जो साथ निभाए। दिनेश यादव, रक्षाबंधन, एक बहन और एक भाई के लिए बहुत मायने रखता है। एक बहन अपने भाई की रक्षा हेतु रक्षा सूत्र बांधती है, रक्षा धागा बांधती है। भाई बहन का प्यार ही है जिसमें लड़ाई झगड़े चलते रहते, पर प्यार कम नहीं होता इन दोनों में। दोस्तों बहुत तो ऐसे हैं जो मेरी बात ही बकवास लग रही होगी, लेकिन जो भी जिसे भी अच्छा लग रहा है वो शेयर आप लोग जरूर कीजिएगा, ताकि मैं जितना भी बोली मैं ये ना समझ लूँ कि मेरी एनर्जी वेस्ट हुई, काम का कुछ भी नहीं। मेरी एनर्जी को वेस्ट मत कीजिएगा, आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। रोटी कमाना कोई बड़ी बात नहीं, जो चोरी करके खा रहा है यूं समझिए कि वो कमा रहा है, उसका पैसा ही वही है। जो ईमानदारी से कमा रहा है उसका पैसा वही है। मजदूरी करके कमा रहा है, रोटी कमा रहा है। दोस्तों रोटी कमाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन परिवार के साथ रोटी खाना ये बहुत बड़ी बात है। परिवार के साथ रोटी खाने का नसीब हर किसी को खुदा नहीं दिए, हर किसी के नसीब में नहीं होता। अगर अपनी ज़िंदगी के सफ़र को और सुहाना बनाना चाहते हैं, तो अपने परिवार से सदैव प्रेम कीजिए। आपके ज़िंदगी के सफ़र इतने सुहाने हो जाएंगे कि आप कभी सोचे भी नहीं होंगे। जीतना है तो कुछ जीतने से पहले माँ बाप का प्यार जीतो, क्योंकि सारी दुनिया जीतने पर भी माँ बाप का प्यार जीतना आपकी सबसे
बड़ी जीत। माँ बाप का प्यार जीतना सबसे बड़ी जीत, और माँ बाप का प्यार ना पाना सबसे बड़ी हार है। दोस्तों, आजकल बहुत सुनने को मिलता है, टॉपिक से हटके है, कि लड़की की जब शादी होती है और अगर ससुराल वाले कुछ कहे तो कहती है कि मेरे माता पिता को कुछ मत कहना, जो कहना है मुझसे कहो, मेरे माता पिता को क्यों गाली देते। तो दोस्तों, ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि एक लड़की जो समझदार होती वो ऐसा नहीं कहेगी। खेविन ने खा लेता सुती है। किरण किरण सूर्य को हिसाब में किताब में जो तुम्हारे सुती
दोस्तों गुड नाइट, फिर मिलेंगे, बाय।